नमस्कार, बीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में अब बाहर के लोग भी डाल पाएंगे वोट, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, जुड़ेंगे 25 लाख नए मतदाता। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, विपक्ष कई मुद्दों पर होगा आक्रामक। और दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए बीजेपी नेता के खिलाफ आदेश, शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने के दिए आदेश। अब खबरें विस्तार से। निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में जारी पुनर्निर्धारित समय सीमा के अनुसार एक एकीकृत मतदाता सूची का मसौदा 15 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि सूची को लेकर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 15 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच निर्धारित की गई है। इसके बाद 10 नवंबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले 19 नवंबर को मानदंडों की जांच और अंतिम प्रकाशन और डेटाबेस को अद्यतन करने तथा पूरक की छपाई के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना तय किया गया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद बहुत से लोग जो मतदाता के रूप में सूचीबद्ध नहीं थे, वे अब मतदान करने के पात्र हैं। और इसके अलावा जो कोई भी सामान्य रूप से रह रहा है, वो भी जन अधिनियम के प्रतिनिधित्व के प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के अवसर का लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 18 वर्ष से अधिक आयु के करीब 98 लाख लोग हैं, जबकि अंतिम मतदाता सूची के अनुसार सूचीबद्ध मतदाताओं की कुल संख्या 76 लाख है। कुमार ने कहा कि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति के पास जम्मू कश्मीर का अधिवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि 600 मतदान केंद्र जोड़े गए हैं और अब जम्मू कश्मीर में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 11,370 हो गई है। कुमार ने कहा कि आयोग घर घर जाकर प्रचार करने की योजना बना रहा है और योग्य मतदाताओं की जागरूकता के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविर भी आयोजित करने की योजना बना रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आधार संख्या को मतदाता सूची के आंकड़ों से जोड़ने के लिए संशोधित पंजीकरण प्रपत्रों में प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना और मतदाता सूची में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण करना है। जूना कामठी पुलिस ने चोरी गए हुए 15 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए है। इसके साथ ही नागपुर रोड स्थित आयका गोदाम से चोरी करने वाले दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर उनके पास से आयका मोटरसाइकिल व भंगार बरामद किया गया है। मोबाइल फोन मानव जीवन का हिस्सा बन गया है। आज हर नागरिक मोबाइल फोन का उपयोग करता है, लेकिन अब मोबाइल फोन की चोरी और गुम जाने की घटनाएं बढ़ गई है। महंगे मोबाइल खो जाने पर नागरिक रितसर थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस को मिली शिकायतों के आधार पर गुमे हुए मोबाइल की तलाश भी की जाती है। ऐसी शिकायतों के बाद जूना कामठी पुलिस ने 15 खोए हुए मोबाइल फोन का पता लगाया है और उन्हें उनके असली मालिकों को वापस कर दिया है। इसके साथ ही नागपुर रोड स्थित आयका गोडाउन से चोरी करने वाले दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर उनके पास से आयका मोटरसाइकिल व भंगार को जब्त कर लिया गया है। एक 2-4 दिवस आधी एक खैरी शिवारा मध्ये एक गोडाउन आहे, ज्यामध्ये गॅरेज सारखं गोडाउन आहे, त्यामध्ये काही भंगार चोरी झाल्याची कंप्लेंट होती। तर त्या कंप्लेंटच्या आधारावर आपल्या इकडे अपराध क्रमांक 266/2022 चोरीचा हा गुन्हा दाखल होता। त्या गुन्ह्यामध्ये आपण दोन आरोपीला अटक केली होती आणि त्याच गुन्ह्यामध्ये ते भंगार जे 14,500 रुपयाचं चोरी गेलं होतं ते आणि विट्टी गदान पोलीस स्टेशनचा अपराध क्रमांक आहे 477/22 या गुन्ह्यातली जी चोरीस गेली होती गाडी तीसुद्धा त्या आरोपीकडून आपण रिकवर केली आहे। दोन्ही आरोपी आता जेलमध्ये आहेत। आणि मोबाईल जे आहे ती एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे। मोबाईल जे मिसिंग आपल्या बाजारात किंवा इतर ठिकाणी होतात ते आपण ट्रेसिंगला टाकतो। IMA जेव्हा ट्रेस होता CDR प्राप्त होतो त्याचा ॲनालिसिस करून मग ते आपण मोबाईल जप्त करतो। तो एकंदरीत 14 मोबाईल आहे, जे 14 मोबाईल 14 लोकांना जे कंप्लेंट होते त्यांना आपण परत करण्यात आलेले आहे आणि ती एक 5-6 महिन्यातली ती प्रोसेस आहे। ती म्हणजे या 2 दिवसात झालेला घटनाक्रम नाही आहे मोबाईलच्या बाबतीत। मोबाईल जो आहे तो थ्रूआउट वर्षभर चालणारी प्रोसेस आहे। आमच्या इथले जे विवेक दोसेटवार आहे त्यांचे पोलीस शिपाई आहे ते त्यांची त्याच्यासाठी नेमणूक केलेली आहे आणि त्याला कोऑर्डिनेशन आहे जे माननीय पोलीस उपायुक्त यांच्या ऑफिसमध्ये कर्मचारी उपेंद्र म्हणून
त्यांचा याच्यात मोलाचा भाग आहे, कारण टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ही त्यांच्या मार्फतीने आपल्याला मिळते। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। आज विपक्षी पार्टी का प्रस्ताव आने वाला है, इसलिए विपक्ष किसानों के नुकसान, कानून व्यवस्था, शिंदे सरकार की स्थापना के मुद्दे पर आक्रामक होगा। वही आक्रामकता हॉल के बाहर भी देखने को मिलेगी। ये विरोध सुबह 10 बजे से पहले विपक्ष द्वारा सदन की सीढ़ियों पर होगा। सत्र कल सुबह 11 बजे शुरू हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अभिनंदन प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी थी। इस बीच विधानसभा का कामकाज दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता अजित पवार के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बधाई दी। अजित पवार ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वजह से महिला शिक्षा और महिला अधिकारों को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ आज के सत्र में नवनिर्वाचित मंत्री का परिचय कराया गया। मानसून सत्र के पहले दिन 25,826 करोड़ की अतिरिक्त मांगें पेश की गई। राज्य सरकार ने राज्य में भारी बारिश के कारण नुकसान झेल रहे किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। गोंदिया जिले के देवरी कस्बे में 35 वर्षीय महिला की हत्या कर उसके जेवर लूट कर आरोपी फरार हो गया है। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में शाम के करीब हुई इस घटना के बाद से खासा हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए देवरी के ग्रामीण अस्पताल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार मृत महिला 35 वर्षीय शशिकला साखरे है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ तत्काल रेप केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस आशा मेनन ने दिल्ली पुलिस को 3 माह के भीतर मामले की जांच करने और अपराध प्रक्रिया संहिता धारा 173 के तहत संबंधित अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामला जनवरी 2018 का है। एक महिला ने आरोप लगाया था कि छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म के आरोपों के तहत FIR दर्ज करने की गुजारिश की थी। देश के कुछ हिस्सों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जश्न शुरू हो गया है। नागपुर में भी गोकुलाष्टमी का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज हर घर में श्री कृष्ण का आगमन होने वाला है, ऐसे में बाजार में रौनक आ गई है। लेकिन इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर महंगाई के चलते श्रद्धालुओं की जेब पर दबाव बढ़ गया है। सबसे खास बात यह है कि मूर्तियों की कीमत में 20-25% तक का इजाफा हुआ है। सजावटी सामग्री भी महंगी होने के कारण भक्तों को खरीदारी करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन उत्साह काफी हद तक बढ़ गया है। पिछले 2 दिनों से कान्हा की मूर्ति को घर ले जाने के लिए चितारोली में श्री कृष्ण भक्तों की भीड़ उमड़ रही है।
हालांकि मूर्तियों के बढ़े रेट को देखकर श्रद्धालुओं को अपने बजट के बारे में सोचना पड़ रहा है। फिर भी कई भक्तों ने राय व्यक्त की है कि श्रद्धा के सामने महंगाई का भविष्य पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियों की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां दिखने में भी आकर्षक होती है। इस प्रकार ग्राहकों द्वारा सस्ती मूर्तियों की मांग की जा रही है। मूर्तिकारों का कहना है कि मिट्टी की मूर्ति बनाने की लागत उससे अधिक होने के कारण मूर्तियों की कीमतों में 20-25% की वृद्धि हुई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद में विस्फोट की खबर है। अफगान मीडिया ने बुधवार को बताया कि काबुल की एक मस्जिद में हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। टोलो टीवी के मुताबिक काबुल के खैराबाद जिले में बुधवार शाम एक विस्फोट की आवाज सुनी गई। स्थानीय अफगान मीडिया ने बताया कि विस्फोट काबुल के खैराबाद जिले में अबू बकर सादिक मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों को निशाना बनाया गया। हालांकि तालिबान के सुरक्षा अधिकारियों ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अल जजीरा टीवी चैनल ने एक अफगान सुरक्षा सूत्र के हवाले से बताया है कि काबुल के उत्तर में एक मस्जिद में हुए विस्फोट में कई लोग शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए। अल जजीरा और अन्य मीडिया ने बताया है कि मरने वालों की संख्या कम से कम 20 हो सकती है जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। तो वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।